नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत गौर। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। सारे में चर्चा है उनका पनौती वाले वक्तव्य के ऊपर। वैसे तो मैं राहुल गांधी से करीब पिछले 10-20 साल से एसोसिएटेड हूँ एज अ कार्टूनिस्ट, बिकॉज आई थिंक ही इज एनी कार्टूनिस्ट डिलाइट। बिना कुछ मेहनत किए यू हैव अ रेडी मटीरियल टू मेक अ कार्टून। खैर, राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू दैट। मैं बात करूंगा उनकी आज की मानसिकता की। मुझे वाकई उन पर तरस आता है, क्योंकि बचपन से ही इनके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है। और ये मैं कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद सुना है। जब ये इंदौर में सेकंड जनरल इलेक्शन मोदी के जो 1919 में हुआ था, उसमें ये इंदौर में भाषण दे रहे थे, और वहाँ इन्होंने अपने मुँह से खुद एडमिट किया कि इनकी ग्रैंड मदर का और इनके पिताजी का एसासिनेशन देख के ही वॉज मेंटली एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड, जो कि नेचुरल है। कोई भी आदमी जिसके जो इसके थ्रू जाएगा, इस हादसे के थ्रू, ही विल बी वेरी डिस्टर्ब। फिर 15 साल तक ही वॉज ऑन मेडिकेशन, ये भी उन्होंने खुद बताया। तो आप सोचिए कि एक 10-15 साल का लड़का 15 साल तक मेडिकेशन पे रहे, एंड उस समय सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ही वॉज नॉट अलाउड टू मीट आउटसाइडर्स। तो इनकी सारी कंपनी इनके गार्ड्स थे, उन्हीं के साथ ये बैडमिंटन खेलते थे शाम को, तो नेचुरली प्रियंका भी खेलती होगी। तो ये बच्चे गार्ड्स के साथ बड़े हुए, तो आप सोच सकते हैं क्या लैंग्वेज पिकअप की होगी, क्या इन्होंने उनका दिमाग पिकअप किया होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इनका कैसा हुआ होगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस। और उन्होंने खुद बताया कि वो 15 साल तक मेडिकेशन पे थे। तो आप सोचिए, जो आदमी 15 साल मेडिकेशन पे रहेगा उसका डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा माइंड का, और क्या वो मेडिकेशन छोड़ पाएगा। मे बी ही इज ऑन मेडिकेशन इवन टुडे, और लगता है जो कि। एंड जब ये बालक वयस्क हुआ या बड़ा हुआ या पॉलिटिक्स में आया, तो ही वॉज सराउंडेड बाई चमचास, चारों तरफ इनके चमचे थे, और वो चमचे इनके थ्रू रूल करना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद तो कोई वजूद है नहीं। तो उन्होंने इनको मन में भर दिया कि यू आर द किंग ऑफ दिस कंट्री, आप तो राजा हो, जो चाहो कर सकते हो। तो इनका जो दिमाग वैसे ही उन शॉक्स की वजह से, मेडिकेशन की वजह से वीक हो गया था, और फिर चमचों ने उस दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो ही इज़ विक्टिम ऑफ हिज चमचास। वैसे ही इनकी उन मेडिकेशंस की वजह से इनकी स्मरण शक्ति खराब हो चुकी है। आप देखिए वो सेंटेंस कहाँ शुरू करते हैं जो उनको सिखाया गया है, कहाँ बीच में आते आते खो जाते हैं, और अंत में क्या बोलना है वो तो भूल ही जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दोज मेडिकेशंस दैट ही एडमिटेड। इन्होंने खुद एडमिट किया है कि ही वॉज ऑन मेडिकेशन फॉर 15 ईयर्स। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज ही नहीं, आज से 20 साल बाद भी ही विल बी बिहेविंग लाइक दिस, बच्चों की तरह एंड रिडिकुल्ड। आप सोचिए एक माँ क्या फील करती होगी, आज सोनिया गांधी क्या फील करती होगी, एंड व्हाई इज शी परमिटिंग इट। आज इन दोनों को सीरियस साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, रिलैक्सेशन की जरूरत है, क्योंकि मुझे पक्का है कि अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो ये यूरोप में बड़े हो रहे होते। मेरे ख्याल से 50 साल की उम्र तक तो इंडिया आए नहीं होते, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती तो ही आते। तो आई थिंक दे नीड रेस्ट, their own environment, और इनके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। आपका क्या विचार है? थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड फॉरवर्ड इट अमंग योर फ्रेंड्स फॉर वाइडर सर्कुलेशन। थैंक्स अगेन।